प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। इस दुनिया में हम ऐसी बहुत सारी घटनाओं को देख रहे हैं जो कि बाइबल के संबंधित है। जी हाँ, पृथ्वी पर जो घटनाएं घट रही हैं, आसमान में जो घटनाएं घट रही है, अंत के दिनों में बाइबल में इसके बारे में वर्णन किया गया है। बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में मनुष्य के ऊपर महाकष्ट महाक्लेश आने वाला है। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, आज हम दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे चिन्ह देख रहे हैं, ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जो बाइबल के संबंधित है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित है। मेरे प्रियो, अभी अभी दुनिया में एक ऐसी घटना घटी है कि लाखों मछलियां अपने आप मर गई। जी हाँ, कम मछलियां नहीं लेकिन लाखों में, मिलियंस में जो मछलियां हैं वो मर गई है। यह जो घटना घटी है ऑस्ट्रेलिया में दार्जिलिंग नदी में घटी हुई एक घटना है जहां पर लाखों मछलियां अपने आप मर गई है, जिसके कारण से वहां के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, दुर्गंध आ रही है, लोग पानी पीने के लिए भी तरस रहे हैं क्योंकि लाखों मछलियां एक साथ मर रही है, मर गई है और भी मर रही है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। बाइबल में भी हम ऐसे दो घटनाओं के बारे में देख सकते हैं जहां पर मूसा के द्वारा नील नदी में पानी को लहू बनाया गया था और वहां की मछलियां मर गई थी। जब हम निर्गमन उसका 7 अध्याय 20 और 21 में लिखा है, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते ही नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। यही सिचुएशन आज ऑस्ट्रेलिया में दार्जिलिंग नदी में देखने को मिल रहा है जहां पर लाखों मछलियां मर गई हैं, दुर्गंध आ रही है, लोग परेशान हैं और जो पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। सपन्या भविष्यवक्ता उसका 1 अध्याय 2-3 कलम में लिखा है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यह वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा, मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा, मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा, यहोवा की यह वाणी है। ऐसी घटनाओं को देखकर सुनकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। रहस्यमय तरीके से मरी गई लाखों मछलियां, खौफनाक मंजर देखने वाले लोगों के होश उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के एक क्षेत्रीय शहर में सुअर नदी में लाखों मछलियां मरी हुई देखी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार सुबह बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत हो गई। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शहर में मछलियों की मौत की सबसे बड़ी घटना है, जिसने 3 साल पहले मछलियों की एक और बड़ी सामूहिक मौत को देखा गया था, लेकिन ये जो मौत हुई है वो सबसे बड़ी मौत हुई है मछलियों की। मछलियों की मौत वहां पर रहने वाले लोगों के लिए काफी परेशान करने वाली है। कहा है कि स्थानीय लोग पानी का उपयोग फिर से वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मछलियां मरने के कारण वहां पर काफी दुर्गंध आ रही है। बताया जा रहा है कि ये जो मछलियां मरी है वो बाढ़ के कारण और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरी है, इस प्रकार से वैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अंत बहुत ही निकट है। प्रभु पर विश्वास करें और क्योंकि वही मार्ग और सत्य जीवन है। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।